कोरोना महामारी के दौरान सैलून ब्यूटी पार्लरों के नहीं खुलने पर हमीरपुर में सेन कामगार महासभा के पदाधिकारियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द दुकानें खोलने की मांग की है। सेन कामगार महासभा के पदाधिकारी ने डीसी हमीरपुर के माध्यम से सरकार से मांग की है कि जल्द दुकानें खोलने की आज्ञा प्रदान की जाए। महासभा के महासचिव अनिल पटियाल ने कहा कि जब सभी दुकानें खोली जा रही हैं तो सैलून ब्यूटी पार्लरों को क्यों नहीं खोला जा रहा है, जिसकी वजह से कई परिवार आर्थिक तंगी से गुजरने के लिए मजबूर हो गए हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द दुकानें खोलने के लिए आदेश जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि 2 महीनों से कामगार की दुकानें बंद पड़ी हैं और लॉकडाउन में मिली ढील के दौरान भेदभाव किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। आज हम डीसी साहब से मिलने जा रहे हैं। 2 महीने से लगातार हमारी कामगार भाइयों की जितनी भी हेयर ड्रेसर, सैलून, पार्लर सभी दुकानें बंद हैं। हमने जो भी गवर्नमेंट की आदेश हुए उनका हमने पालन किया। आज हम इस मुकाम पे आ पहुँचे हैं कि हमें कोई समझ नहीं आ रही है कि हमारे से इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है। जब सभी दुकानें खुल रही हैं तो हमें भी अपने रोजी रोटी कमाने का मौका दिया जाए। बहुत दयनीय स्थिति है गांव में, देहाती में इतनी हालत दयनीय आ चुकी है इस कामगार भाइयों की कि 2 टाइम का भोजन भी उपलब्ध करना जो है वो मुश्किल हो गया है। या तो गवर्नमेंट हमारे परिवार रोजी रोटी की चिंता करे या तो फिर हमें रोजी रोटी कमाने का मौका दे। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है, जो भी दिशा निर्देश हैं, हम खुद भी बचना चाहते हैं इस बीमारी से और कस्टमर को भी बचाना चाहते हैं। आज हर एक इंसान की जान जो है वो कीमती है, तो हम इस बात का पूर्ण ध्यान रखेंगे। तो हम डीसी साहब जिसे ये रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि हमें क्या गाइडलाइन आ रही है हिमाचल स्टेट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ताकि हम उसका पालना करें और उसके ऊपर अपना रोजी रोटी को मद्देनज़र रखते हुए, यही हमारा मेन समस्या भी है और रिक्वेस्ट भी है।